अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं ग्रीन चिकन मसाला रेसिपी, जिसके लिए हमने लिया है 15 कैश्यू, 15 बादाम, 2 टेबलस्पून पॉपी सीड ऐड किया। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें थोड़ा फ्राई कर लेना है। पॉपी सीड मतलब खसखस, आपको ये मार्केट में इजीली मिल जाएगा। अब इन सबको निकाल लेंगे। अब एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल ऐड कर दें। तेल को थोड़ा गर्म होने दें। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज के ऑनियन, जिसको हमें गोल्डन फ्राई करना है। पैक को थोड़ा गोल्डन फ्राई होने दें। हाफ लेमन जूस ऐड कर लेंगे। आप अपने हिसाब से ग्रीन चिलीज ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड कर रहे हैं।
ये हमारा हरा धनिया, ग्रीन चिलीज और लेमन का मिक्सचर बनके तैयार है। हमने 500 ग्राम चिकन लिया है जिसको अच्छे से वॉश कर लिया। हाफ टेबल स्पून नमक ऐड कर लेंगे, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 चिकन मसाला पाउडर। हमने एवरेस्ट का चिकन मसाला पाउडर लिया है जो आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। ग्रीन चिलीज का पेस्ट ऐड कर लेंगे। हमने कलर ऐड नहीं किया है। थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर लेंगे, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड कर लेंगे, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर ऐड कर लेंगे। प्याज हमारी गोल्डन फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे। क्रश किया हुआ ऑनियन ऐड कर लेंगे जिसको हमने गोल्डन फ्राई कर लिया था, उस पेस्ट को चिकन में ऐड कर लेंगे। फ्राइड किया हुआ तेल ऐड कर लेंगे जिसमें हमने ऑनियन को फ्राई कर लिया था, उस ऑयल को ऐड कर लेंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने चिकन को अच्छे से मैरिनेट कर लिया है, अब उसे 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे जिससे हमारा चिकन अच्छे से मैरिनेट हो जाए। मसाले को हमने चिकन में अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इन सबको 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। अब कढ़ाई में तेल लेंगे, 2 दालचीनी ऐड कर लेंगे, 2 लौंग ऐड कर लेंगे, 1 से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। इसे हमने 1 घंटे के लिए मैरिनेट के लिए रख दिया था, इस चिकन को तेल में ऐड कर लेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
हमने जो ऑनियन फ्राई किया था उसी तेल में चिकन को ऐड कर लिया है। थोड़ा सा दही ऐड कर लेंगे। और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर लूँ जिससे हमारा चिकन जल न जाए और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम चिकन को 10 से 15 मिनट के लिए ढक देंगे जिससे हमारा चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। चिकन को हमने 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख दिया है। ऑयल हमारा ऊपर आ चुका है, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कैशियू एंड बादाम का पेस्ट। कलर ऐड नहीं किया है, सिर्फ पिसा हुआ मसाला ऐड कर दिया। वन एंड हाफ टेबल स्पून नमक ऐड कर लेंगे और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा ग्रीन चिकन मसाला बनके तैयार है। आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम इसे 5 मिनट के लिए थोड़ा ढक देंगे।